हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केम इंडिया स्मार्ट चैनल में। आज आपको हम सिंपल प्रोसेस से बताने वाले हैं, पूरा फुल प्रोसेस भी बताएंगे आपको कि पासपोर्ट अप्लाई करने में क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू होती है लोगों को, क्या है। और सिंपल प्रोसेस है, कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के लिए इसमें कोई भी झंझट नहीं है, आपको हम पूरी दिखाएंगे इसमें वीडियो में। शुरू से अंत तक मेरे वीडियो में बने रहे हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना आप लोग से अनुरोध है, करिए और मेरे चैनल को भी प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसे अब हम दिखा रहे हैं, ऑलरेडी मैंने यूजर आईडी बना लिया और इसलिए आपको आगे चल कर दिखा रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर यूजर आईडी डालेंगे, जैसे मैंने डालकर इंटर किया, उसके बाद में यहाँ पे पासवर्ड मांगा जाएगा, जो पासवर्ड मैंने इंटर यहाँ पे कर दिया। उसके बाद में जो कैप्चर कोड है वो कैप्चर कोड यहाँ पर हम फिल करेंगे। फिल करने के बाद हम यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होते ही मुझे यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है। अप्लीकेंट होम, मैंने आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी इसमें सर्विस है। जैसे भी व्यू सेव पास सबमिट योर अप्लीकेशन, अगर आप पासपोर्ट अपने ऑलरेडी अप्लाई करके बीच में छोड़ दिया था वो भी आपको यहाँ सेव हो जाता है। दूसरा यहाँ पे लिखा है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू पासपोर्ट। आज हम आपको री इशू यानी डैमेज पासपोर्ट के बारे में बता रहे हैं। डैमेज अगर पासपोर्ट हो गया तो उसको कैसे, यानी री इशू दोनों आप इसमें समझ पाएंगे। री इशू वाले भी इसमें कर सकते हैं और न्यू डैमेज पासपोर्ट वाले भी कर सकते हैं। पासपोर्ट जिसका गुम हुआ वो भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरी वीडियो अगर शुरू से अंत आप जरूर देख लीजिएगा तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सिंपल प्रोसेस से आप अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करके डेट भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं अप्लाई फॉर पुलिस वेरिफिकेशन यानी क्लियरेशन सर्टिफिकेट यानी पुलिस वेरिफिकेशन जिसको बोला जाता है PCC, वो है। उसे अप्लाई फॉर डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, आप यहां से ऐसे ऐसे सर्विस है कि आप कर सकते हैं यहां से। आइए आपको हम रीइशू पासपोर्ट करके दिखलाते हैं। अब यहां पे प्रोसेस है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट रीइशू ऑफ पासपोर्ट। यहाँ पे हम क्या चूज करें, यहाँ पे हम फर्स्ट चूज करेंगे। फर्स्ट में यहाँ पर जैसे देख रहे हैं आप, क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑफलाइन है तो हमको ऑफलाइन नहीं करना है, ऑफलाइन नहीं करके ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन पर जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे मेरा पोर्टल ओपन दूसरा होगा। दूसरा आप ऑप्शन देखिए RPO सिलेक्शन, और यहाँ पे आपको देखिए जिस स्टेट से बिलोंग करते हो स्टेट, वो स्टेट चूज कीजिए। इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिए। सॉरी हमने गलती चूज कर लिया इसलिए बैक कर रहे हैं, आपको फिर से दिखला रहे हैं। इसके हम यहाँ पे हमको बिहार चूज करना है, बिहार चूज कर लिए। मुझे यहाँ पे साल चूज करना है, कर लिए। उसके बाद में यहाँ पे आपसे पासपोर्ट टाइप आपसे पूछा जा रहा है, अप्लाई फॉर टाइप ऑफ अप्लीकेशन बुकलेट टाइप। इसमें तीनों में आपको देखिए यहाँ फ्रेश, अगर न्यू पासपोर्ट अप्लाई करना हो तो फ्रेश में क्लिक कर टिक कीजिएगा, अन्यथा आप यहाँ पे री इशू करना है डैमेज पासपोर्ट या भुला गया या नहीं, आपको रिन्यूअल करना है, ये तीनों में आपको ये री इशू ही करना होगा। और टाइप ऑफ अप्लीकेशन यानी आप नॉर्मल में करना चाहते हैं, तत्काल में करना चाहते हैं, दोनों अलग अलग प्रोसेस है, कर सकते हैं। और यह टाइप ऑफ बुकलेट ऑफ टाइप यानी अगर 36 पेज में भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और 60 पेज में भी बना सकते हैं। इससे मैं अपन नॉर्मल पकड़ दिए और यहाँ पर मैंने 36 पेज और यहाँ पर हमने। अब यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि प्रॉब्लम क्या है आपके साथ। चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्सनल पार्टिकुलर्स यानी आपको कोई भी पार्टिकुलर्स कुछ चेंज करना हो तो इस पर टिक कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करें। डैमेज पासपोर्ट यानी आपका डैमेज पासपोर्ट है तो हम यहाँ पर डैमेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है एक्सुलेशन ऑफ पेज, आप पेज के भी अगर पेज आपको खत्म हो चुका है तो यहाँ से आप पेज भरवा सकते हैं। यानी पासपोर्ट आपको 36 पेज का होता है, अगर आप यात्रा इतना कर रहे हैं कि उसमें आप पासपोर्ट का आपका पेज समाप्त हो गया तो उसके लिए आपको ये चूज करना होगा 33 नंबर। लॉस्ट पासपोर्ट यानी आपको पासपोर्ट भुला गया है तो लॉस्ट पासपोर्ट में आपको पुलिस का जो आपको
FIR कॉपी लगता है वो अनिवार्य है। जो भी ऑफिस में आप जा रहे हैं उस ऑफिस में आपको ओरिजिनल हार्ड कॉपी लेकर जाना अनिवार्य है। और यहाँ पे तीसरा पूछा है, आपको पांचवा पूछा जा रहा है, वैलिडिटी एक्सपायर मोर देन 3 ईयर, यानी आप 3 साल से ऊपर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है तो इसको चूज करेंगे, अन्यथा आपको 6 नंबर में वैलिडिटी एक्सपायर्ड विथ इन 3 ईयर्स ड्यू टू एक्सपायर, अगर आपको 3 ईयर के अंदर अभी पासपोर्ट बोला जाता है कि 3 ईयर के अंदर आपको पासपोर्ट अभी एक्सपायरी होने वाला है तो इसको चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फिर नेक्स्ट करेंगे कर, जैसे अब यहाँ से पूछा जा रहा है तो मैं यहाँ पे सिंपल प्रोसेस है, आप वीडियो वगैरह शुरू से अंत तक देखिएगा तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा कि ये क्या कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है। लोग सोचता है कि बहुत बड़ा प्रोसेस है, बट प्रोसेस ये लंबा नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप लोग खुद से कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आप डेट ऑफ प्लेस डालिए, स्टेट डाल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट डालिए, यहाँ पे उसके मटेरियल यानी सिंगल है तो सिंगल पर्सन डाल दीजिए, इसके में पैन नंबर डालना अनिवार्य है। उसके बाद में यहाँ पर वोटर आई कार्ड, वोटर आई कार्ड डालिए, अन्यथा नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर छात्र है तो स्टूडेंट डालिए, अगर नहीं है नर्स एम्प्लॉयड है तो नर्स, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट डाल सकते हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड डाल सकते हैं, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का भी प्रोसेस आप डाल सकते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है माइनर है, माइनर नहीं है तो नहीं, अगर 18 साल से नीचे है तो माइनर आते हैं तो यस करना होगा, अगर 18 साल से ऊपर है तो नो, यस मैं सॉरी नो करना है। उसके अंदर यहाँ पे एजुकेशन ऑफ टाइप यानी क्या, किस क्लास तक आप कर चुके हैं, मैट्रिक एंड 10 प्लस, यानी आप इंटर से भी, आप मैट्रिक से भी ऊपर पढ़ चुके हैं इसलिए यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम आधार नंबर फिल करेंगे, उसके बाद हम यस पर यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करके या फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ गलती हो रहा है, आधार नंबर यहाँ पे वैलिड नहीं बताया जा रहा है हमें, इससे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर आगे हम बढ़ नहीं पा रहे हैं कुछ टेक्निकल इशू से, देख पा रहे हैं यहाँ पर आधार नंबर हम गलत डाल रहे हैं इसलिए नहीं भर पा रहे हैं, आपको भी दिखा रहे हैं आधार नंबर यहाँ पर सही हम करके दिखा रहे हैं। जिसमें यहाँ पर नेक्स्ट पर आ चुके हैं हम, और नेक्स्ट में फादर नेम मांग जा रहा है तो फादर नेम यहाँ से इंटर करेंगे, जो भी फादर नेम हो वो इंटर हम यहाँ से कर देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे मदर नेम डालेंगे, जो भी मदर नेम है वो हम यहाँ से इंटर करेंगे, जो भी पासपोर्ट में है वही हम इंटर करेंगे। फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, लीगल नेम हो तो लीगल नेम का मतलब होता है कि आपके जो भी गर्जीवन हो उनको यहाँ डाल सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल है। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा है कि आप यहाँ पर आकर सबसे बड़ा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप बता रहे हैं, यहाँ पे आपको पूरा फुल एड्रेस फिल करना है, जो भी जिस तरह आपको हम फिल कर रहे हैं उस तरह फिल अप कर सकते हैं। यहाँ पे जिसे है पोस्ट है, हम पोस्ट भी डाल दिए। उसके बाद में हम यहाँ पे आपको थाना डालेंगे, यानी उन्हें तहसील जो होता है आपको पुलिस स्टेशन बोला जाता है वो डालेंगे यहाँ से हम। उसके बाद में हम यहाँ से जो भी पुलिस स्टेशन है मेरा वहाँ चूज करेंगे, उसके अंदर पिन कोड मेरा जो भी है वो हम इंटर करेंगे यहाँ से, जो भी मेरा मोबाइल नंबर है वो हम इंटर यहाँ से करेंगे, उसके जो भी मेरा ईमेल आईडी है उसको हम ईमेल यहाँ से यूज करेंगे। उसके बाद में अगर आपका जो भी एड्रेस है, अगर दो एड्रेस है तो यहाँ पर
नो कीजिएगा, अगर एक एक डेज है तो एक एक कर छोड़ दीजिए और यस करके आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करते समय आपको देखिए नेक्स्ट, फिर आगे यहाँ पर पूछा जा रहा है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप उसका नाम डाल सकते हैं जिसका आप घर में जो भी पर्सन हो उनको आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, आपके साथ हो चुके माने कोई भी आपके साथ कुछ भी घटना घट रहा है उस समय आप इसका प्रोसेस में आपको लाभ मिल सकता है। यहाँ पे भी सेम वही मोबाइल नंबर, घर का मोबाइल नंबर इसमें डालिएगा जरूर, क्योंकि घर से कॉन्टैक्ट किया जाएगा आपसे। यहाँ पे आप पूछा जा रहा है पासपोर्ट नंबर, यानी हम री इशू में डाले हुए थे, पासपोर्ट डैमेज था इसलिए यहाँ पर पासपोर्ट नंबर मुझसे पूछा जा रहा है। री इशू पासपोर्ट पूछा जा रहा है यहाँ पर, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू कब हुआ था, जब का इशू हुआ था वो हम डेट डालेंगे यहाँ से। फिर अब डेट ऑफ एक्सपायरी यहाँ डालेंगे हम, उसके बाद में यहाँ पर प्लेस कहाँ से इशू हुआ है यानी किस तिथि से इशू हुआ था वहाँ पर हम डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम आएंगे पास फाइल नंबर डाल देंगे, जो भी मेरा फाइल नंबर मिला होगा पासपोर्ट के पीछे हिस्सा में होता है, आप वहाँ से देखकर कर सकते हैं। उसके बाद में आपके पास पासपोर्ट का अवेलेबल, अगर पासपोर्ट होल्ड हुआ है तो यस यहाँ पर अवेलेबल लिटल पर क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कीजिए। यहाँ पे आप करिए, यहाँ पे भी पूछा जा रहा है हैव योर एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशू, यानी आपके पास अगर पासपोर्ट अप्लाई किए हैं तो अगर इशू हुआ नहीं है, अगर आप जा करके चले आए हैं आप कोई प्रॉब्लम के इशू से, तो यस कीजिए अन्यथा नो कीजिए। फिर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, फिर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन यहाँ से आप सब में आप पढ़कर जवाब दे सकते हैं, इसमें आप खुद से पढ़ के जवाब दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं देख सकते हैं, इसमें सब कुछ पढ़ के आप जवाब दे सकते हैं। जैसे हम सब में आप देख पा रहे हैं पढ़ के आपको जवाब दे, कई लंबा वीडियो होने की वजह से हम मैंने यहाँ से जल्द जल्द आपको प्रोसेस बताने बाद बता रहे हैं, नहीं तो आपको बहुत तरह से इसमें आप जो बता रहे हैं प्रोसेस नो कर दीजिए, सब में नो ही रखने दीजिएगा, क्योंकि इसमें नो कहीं है अगर आप FIR हो और नो सीनियर जैसी हैं, आप यहाँ से आउट ऑफ इंडिया के सदस्य हैं, अरे इम्प्लॉय हैं या चाहे आप खुद हैं, तो आप यहां से नो कभी कल कर सकते हैं, नहीं तो आप यस करके नहीं सब में नो डालिए। उसके बाद यहां पर फिर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, आपसे पासपोर्ट किस तरह बनकर आएगा देख सकते हैं, सेम पासपोर्ट इसी तरह आपका अप्लाई होकर यहां से आपको इसी तरह मिलेगा। और उसके बाद में हम यहां पर फिर नेक्स्ट करेंगे, जिस तरह नीचे गाँव के आएगा सब इसी तरह आपको मिला जाए मिलेगा यहां से। उसके बाद में क्या, इस तरह आपको यहाँ पे चूज करना है, देख पा रहे हैं आधार है तो आधार चूज कीजिए, फिर यहाँ पे जो भी चूज है आधार है यहाँ पे सब चूज कर सकते हैं, चूज करके यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे अगर एफिडेविट है तो एफिडेविट की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लॉस्ट और डैमेज है तो एफिडेविट की जरूरत पड़ सकता है। उसके बाद में यहाँ पे आप आकर यहाँ पे जो भी प्लेस है वो प्लेस यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कीजिएगा, जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसी समय आपका एक ओपन होकर आ जाएगा पेज, जिससे आपको हम दिखला रहे हैं, पूरा फुल दिखलाएंगे आपको ये वीडियो को हम।